द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर को। ऐसा मामला सामने आया है, एक व्यक्ति जो कि 2007 से लापता था और बाद में जिसे अभी 2/11/2018 को मृत घोषित कर दिया। उसने अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब ये कैसे हुआ, किसने किया, यही जानना एक बड़ा सवाल बन गया है। ये मामला सामने आया है शिवनी मालवा के ग्राम तिनसिया से, जहां पर प्रमोद लोवंशी जो इनके बेटे हैं उन्होंने शिकायत की है। उनका कहना है कि उनके पिता रामचंद्र लोवंशी जो 2007 से गायब थे और इसके बाद में उनकी अपील प्रकरण में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था 2 नवंबर 2018 को, और उनकी पत्नी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। और अभी हाल ही में पता चला है कि उनके खाते से लेन देन हुआ है, जिसको लेकर अब सभी परेशान हैं। बात बड़े लेन देन की है और इसकी जानकारी अब अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आखिर ये कैसे हुआ है, अब इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। चलिए देखते हैं ये विवादित मामला क्या है, जिसमें मृत व्यक्ति जो कि लापता है 2007 से, जिसे प्रशासन द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन अकाउंट से निकासी की गई है, पैसे निकाले गए हैं, जमा किए गए हैं। पहले जानते हैं उनके परिवार वालों से इस मामले के बारे में। मेरा नाम प्रमोद लोवंशी है। क्या मामला है भी? ये मामला बैंक का है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शिवनी मालवा, जिसमें मुझे पता लगा 1 महीने पहले कि मेरे फादर का खाता है, जिसकी शाखा बानापुरा से 1,30,000 रुपए का दूसरे खाता में संयोजन हुआ है गया प्रसाद मालवी के नाम से। तो मैं शाखा प्रबंधक शर्मा जी से भी मिला था, तो उन्होंने बताया कि इस बैंक में कोई खाता नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन संयोजन हुआ था उस शाखा से। अच्छा, शिवनी मालवा में उनका खाता है जिला सहकारी बैंक में, तो वहाँ पे अधिकारी उन्हें 1 महीने से मुझको घुमा रहे थे। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो SDM साहब के वहाँ पे भी एक आवेदन दिया है मैंने स्टेटमेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे मंगलवार सोमवार तक देने का कहा है SDM साहब ने। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके पिताजी के खाते के साथ छेड़छाड़ हुई है? वो क्या है, हमारे रिलेशन में कोई ही व्यक्ति लोवंशी समाज के व्यक्ति काम करते थे, जिनको हटा दिया गया है, वो वहाँ पे करते थे। तो उन्होंने बताया कि तिनसा में हमारे रिलेशन में इस व्यक्ति के नाम से खाता बैंक में है, जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही। तो अप्रैल में क्या हुआ, वो खाता बंद था, तो 200 रुपये जमा करके उस खाते को खोला गया, फिर उस खाते से दूसरे खाते में ट्रांजैक्शन मतलब करा गया। कितना मतलब, कितने पैसे का लेन देन हुआ है? अभी उस खाते में 3,95,000 रुपये हैं। 1,30,000 रुपये जो हिटे थे वो 2 दिन में जमा हो गए, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि ये सूचना खाते वाले के पास चले गई है, इसलिए वो पैसे जो निकले थे ना वो रिटर्न खाते में आ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई में जो सामने आए स्टेटमेंट में SDM साहब जो भी बताएं, हम उस पर यह नहीं कह रहे कि मतलब पैसे जिसके भी हो वो मिलना चाहिए, वो गलत तरीके से हुए, जो भी बैंक अधिकारी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। विष्णु प्रसाद, ग्राम कोडवार। ये रामचंद्र जी के बारे में क्या जानकारी आपके पास? ये 2007 से लापता है, अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा, इसकी सूचना आपने कहीं दी? थाने दी थी वो तो। उसके बाद आज दिनांक तक? आज तक कोई पता नहीं है। आज तक लापता है? लापता है। सर, ये क्या मामला आ रहा है रामचंद्र लोवंशी का? ये सब गलत है और वो टेक्निकल मिस्टेक है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हितग्राही का खाता मेरे पास है नहीं, वो खाता दूसरी जगह है अन्य शाखाओं में, ऐसा कोई मेरे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है काम। उसने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके पिताजी का खाता जो है वो बंद था, उसको चालू किया गया, उसमें से 1,30,000 रुपये निकाल दिए गए, वापस डाल दिए गए। नहीं नहीं, ये उसका ये वहाँ पता लगेगा दूसरी जन बैंकों में, मेरे यहाँ इसका कुछ का कोई इसका ब्यौरा नहीं है। बाकी मेरे यहाँ से टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी तो टेक्निकल मिस्टेक होती रहती है ये इसमें सिस्टम में, ऐसा कोई हुआ नहीं है। और वो जो भी है वो गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो गलत है हमारी ब्रांच के ऊपर। अच्छा सर, वो 3,95,000 रुपये जो है वो क्या है? वो भाई वो जो जिस शाखा है वो शाखा बताएगी उसका 3 लाख, उसके मामले में मेरे को जानकारी नहीं है। सर कहाँ पर है उनका खाता? ये उनका खाता ये नहीं मालूम, अन्य बैंकों में मेरी ये सीरीज मेरे पास ये सीरीज नहीं है। क्या मामला आ रहा है ये रामचंद्र लोवंशी का? रामचंद्र लोवंशी का हितग्राही रामचंद्र लोवंशी का खाता शाखा शिवनी मालवा में बहुत पुराना है, लेकिन लेन देन नहीं होने के कारण होल्ड एवं स्टाफ पर है जी। जिसका इसकी वजह से इस खाते से लेन देन होना संभव नहीं है,
तो सर वो जो आरोप लगा रहा है कि 1,30,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाले गए और फिर वापस डाल दिए गए, ये कैसे संभव? ये हो सकता है, ये शाखा बन्नापुरा से इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ से नहीं हुआ? यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इस खाते से। इस बारे में अब जानकारी लेते हैं एसडीएम रविशंकर राय से, उनका क्या कहना है। कि बैंक का प्रकरण रामचंद्र लवंशी का आ रहा है कि उनके पुत्र का कहना है कि उनके पिताजी के खाते से 1,30,000 रुपए का ट्रांजैक्शन बिना जानकारी के हुआ, क्या मामला है? हाँ, मेरे पास भी शिकायत आई है कि बैंक द्वारा बगैर मेरी जानकारी का ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक से मैं जानकारी ले रहा हूँ, बैंक के जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन सही हुआ है कैसे हुआ है, तो अभी जांच में है, जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है।